Hey guys, this is Harshit here. Welcome back to another episode of Minecraft. और आज मैं MCPE की वीडियो लेके आया हूँ और 1.20 के लिए नए मॉड्स लेके आया हूँ। एक्चुअली आज मेरे को एक ऐसा मॉड मिला है जिससे तुम लोग सिनेमैटिक बना सकते हो माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में। और हाँ, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला। मतलब तुम ये सोचो, सामने जो तुमको ये दिख रहा है ना, ये मैंने अपने फोन में बनाया है और वो भी अपने हाथों से। मैंने यहाँ पर इसलिए मेंशन किया क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई भी टाइमलाइन ऐड नहीं किया और कोई भी कीफ्रेम ऐड नहीं किया जैसे कि माइनक्राफ्ट जावा एडिशन में हम लोग करते हैं। मतलब ये सिर्फ मैंने अपने कंट्रोल से बनाया है। क्यों भाई, चौंक गए ना ये चीज सुनने के बाद? हाँ भाई, मैं भी चौंक ही गया था जब मैंने पहली बार इसको यूज किया। तो मैंने बोला भाई, आज तो इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। तो वेल, आखिरकार मैंने कैसे किया, इसके लिए वीडियो को पूरी एंड तक देखते रहना। और हाँ भाई, अगर तुम इस वीडियो को लाइक करोगे ना तो ये वीडियो बहुत सारे लोग के पास पहुंचेगी। इसलिए ये वाली वीडियो को लाइक टारगेट दे रहा हूं मैं 10,000 लाइक का। आई नो ये बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन अगर इस वीडियो पे 30,000 व्यूज आ रहे हैं तो 10,000 लाइक मेरे ख्याल से बड़ी बात नहीं है। तो जाओ जाके लाइक करो। 10,000 लाइक होते ही हम लोग डिस्कॉर्ड में एक टॉक शो करेंगे जिसमें मैं तुम लोग की फीडबैक लूंगा गॉडिस पंगी में क्या ऐड करना चाहिए और क्या नहीं। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले आपको ये वाले मॉड को डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको डाउनलोड कैसे करना है वो आपको मैं बता देता हूं। और ये वाला मॉड है ना MC PackDL में 3 दिन पहले ही आया है, मतलब कि नया ही है। डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जैसे उस पे क्लिक करोगे आप यहां पर आ जाओगे। ये avhope.com मेरी ही वेबसाइट है, लेकिन ये अभी मेरी टेंपरेरी वेबसाइट है। आप लोग को ये रीसेंट पोस्ट में मिल जाएगी, लेकिन अगर आप लोग बहुत दिन बाद वीडियो देख रहे हो ना तो आप लोग को यहां पर जो सर्च वाला बटन बना ना उस पे क्लिक करना और आपको सर्च करना सिनेकैम। उसके बाद वहां पर आपको एक पोस्ट मिल जाएगी, पोस्ट से जाके आप लोग डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद आपको उसको माइनक्राफ्ट में कैसे इंपोर्ट करना, चलो बताता हूं। देखो ये रहा वो सिनेकैम वाला मॉड। आपको जेड अचीवर ओपन करना है और आप लोग को इस पे एक बार क्लिक करना है। और आप लोग को यहाँ पर जो एरो वाला बटन बना ना व्यू के बाजू में, आपको इस पे क्लिक करना है। और आप लोग को यहाँ पर ओपन विथ आएगा तो आपको माइनक्राफ्ट में क्लिक करके जस्ट वन कर देना। देखो मेरा भी गेम ओपन हो चुका है और ये 1.20 वाला गेम है। अभी यहाँ पर मैं प्ले पे क्लिक करता हूँ, न्यू वर्ल्ड क्रिएट करता हूँ। और यहाँ पर आप लोग स्टेप को ध्यान से देखना। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर रिसोर्सेस पैक में जाना है और इसको एक्टिवेट कर देना है। देखो यहाँ पर सबसे नीचे मैं जा रहा हूँ रिसोर्सेस पैक में, और यहाँ पर आपको अवेलेबल्स में जाना है। यहाँ पर आप लोग को ढूंढना है कि आप लोग का सिनेकैम कहाँ पर है। अबे भाई कहाँ चला गया, नई वाली हुआ एक तो मेरे को बेकार सी लगती है। यहाँ पर नीचे आपको सिनेकैम मिलेगा, आप लोग को इसको एक्टिवेट कर देना। देखो यहाँ पर ये है, इसको मैंने एक्टिवेट कर दिया। उसके बाद आपको बिहेवियर पैक में जाना है और सेम आप लोग को यहाँ पर भी सिनेमा कैम को ऑन कर देना है। ध्यान रहे ये यहाँ पर भी एक्टिवेट होना चाहिए। उसके बाद आपको एक्सपेरिमेंट्स में जाना है और जितने भी एक्सपेरिमेंट आपको सबको ऑन कर देना है, एक भी नहीं छूटना चाहिए। अगर एक भी छूटा तो भाई वर्क नहीं करने वाला ये। नाउ एवरीथिंग इज डन, आपको क्रिएट कर देना। तो अभी हमारे यहाँ पर वर्ल्ड लोड हो चुका है। अभी आप लोग को यहाँ पर चैट्स वाली बटन में क्लिक करना है और आप लोग को यहाँ पर स्मॉलर देन वाला सिंबल बनाना है, जो बड़ा मुंह छोटा मुंह बोलते थे ना वो बनाना है। और यहाँ पर आपको लिखना सिनेकैम और लिखना हेल्प। अभी आप जैसे लिखोगे आपके सामने प्रॉम्प्ट आएगा और यहाँ पर आपके सामने एक डायलॉग खुल जाएगा। अभी मेरे को पता भाई तुमको कुछ घंटा समझ नहीं आने वाला क्या लिखा है, अब मैं बताता हूँ क्या करना है। अभी अगर तुम लोग कोई सिंपल MCPE वीडियो बनाते तो कुछ इस टाइप से बनाते, लेकिन अभी तुम लोग को यहाँ पर चैट खोलना है और यहाँ पर लिखना है छोटा मुंह मतलब स्मॉलर देन, और वहां पर आपको लिखना सिनेकैम, और उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है लॉन्च। अभी देखो मैंने सिनेकैम लिखा और आपको यहाँ पर लिखना लॉन्च। और आप जैसे ऐसा लिखोगे तो आपका, अबे यार मैंने हेलमेट लगाया था, ये हेलमेट मुंह के सामने आ रहा है। एक सेकंड, मैं यहाँ पर अभी हेलमेट को हटाऊंगा। अभी आप लोग को यहाँ पर इन्वेंटरी में जाना है और मैंने हेलमेट लगा रखा है, आप लोग भी हेलमेट वेलमेट उतार देना। और अभी देखो तुम लोग माइनक्राफ्ट जावा एडिशन जैसे जो सी दबा के जो सिनेमैटिक कैमरा चालू हो जाता है ना, ये उस टाइप के वर्क कर रहा है। और भाई लिटरली बिल्कुल लैग नहीं हो रहा, मतलब इस पे ग्लिच भी नहीं है बिल्कुल भी। अभी एक साथ बहुत सारे हेटर जाएंगे कमेंट में और बोलेंगे भाई तेरी बटन भी नहीं दिख रही और तू सिनेमैटिक बना रहा है, तू पक्का जावा एडिशन खेल रहा है। अरे मेरे भाई मैंने बटन हाइडर लगा रखा है, चलो तुमको ये भी दिखा देता हूं प्रूफ करके कि MCPE है। देखो ऐसा है, अभी जो मैंने कमांड मारी है ना लॉन्च वाली, उससे सिर्फ तुम लोग यहां पर खड़े खड़े ले सकते हो सिनेमैटिक, मतलब आगे नहीं बढ़ सकते, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते। देखो मैं जितनी भी बटन दबा लूं लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ सकता, बस मैं अपनी स्क्रीन को घुमा पा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने के लिए भी एक कमांड है, वो कमांड डालने से पहले सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखते हैं स्मॉलर देन सिनेकैम और यहां पर स्टॉप। जैसे हम लोग यहां पर स्टॉप करेंगे ना और ये कमांड जैसे ही डालेंगे तो यहां पर ये सब स्टॉप हो जाएगा और आप लोग हिल डुल पाओगे और सिंपल जैसे गेम खेलते वैसे खेल पाओगे। अभी जो मैं स्टेप बता रहा हूं ना उसको ध्यान से देखना, उसी के बाद आप लोग सिनेमैटिक बना पाओगे मस्त वाले। आपको यहां पर लिखना स्मॉलर देन सिनेकैम और उसके बाद आपको यहां पर लिखना लॉन्च, और उसके बाद आपको यहां पर थोड़ी सी स्पेस देना है, और स्पेस देने के बाद आपको दो बार माइनस लगाने मतलब डैश देने हैं, और यहां पर लिखना नो लिमिट, और उसके बाद एक बार डैश देना है, और यहां पर आपको लिखना 5.5, और उसके बाद एक और बार डैश देके यहां पर माइनस माइनस वाले दो बार, और यहां पर लिखना वॉक, और उसके बाद आपको यहां पर एंटर कर देना है। और भाई अभी देखो आप लोग का सिनेकैम स्टार्ट हो चुका है और अभी आप लोग आगे बढ़ने वाली बटन से आगे बढ़ सकते हो और ये एकदम स्मूथ है। लाइक तुम लोग इमेजिन करो माइनक्राफ्ट जावा एडिशन जैसी फील दे रहा है यहां पर, और आप लोग यहां पर आराम से कुछ भी चीज का सिनेमैटिक बना सकते हो। अब मेरे को एक बात बताओ, कौन बोलेगा कि माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन है, शेडर इतने मस्त है, 1.20 का चेरी ब्लॉसम है, भाई कोई बिल्कुल नहीं बोलने वाला कि ये MCPE है। देखो अगर इतने अच्छे रिजल्ट के बाद भी तुम लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई फिर कुछ भी नहीं कर सकते, और अगर लाइक कर दिया तो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, और नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं आने वाली, फिर अगली बार नहीं मिल पाओगे। अच्छा चलो मैं आपको थोड़ी सी टिप देता हूं कि आप लोग को उसको कंट्रोल कैसे करना। देखो आप लोग अपनी टच वाली उंगली को जहां पर ले जाओगे ना ये कैमरा वहां पर जाता है, और ध्यान रहे आपको धीरे धीरे ले जाना ताकि और स्मूथ आए। मतलब कि देखो यहां पर ये जो स्मूथ आ रहा है ना, ये मैं धीरे धीरे कर रहा हूं, एकदम धीरे धीरे। आप लोग अपने कंट्रोल को जहां पर ले जाओगे वहीं पर जाएगा। देखो इस पे ग्लिच बिल्कुल भी नहीं है, वैसे थोड़े बहुत ग्लिच हो सकते तुम लोग को फेस करने मिले, लेकिन भाई MCPE में और
क्या ही चाहिए तुम लोग को। अब एक काम करते, थोड़ी देर में शांत रहता हूँ और तुम लोग ये वाला सिनेमेटिक देखो। चौगा ना ये जानकर कि एमसीपी में भी इतने अच्छे सिनेमैटिक बन सकते हैं, और साथ में ये वाले सिनेमैटिक को रेट करना, नीचे जाके हैशटैग सिनेमैटिक लिखना और उसके बाद रेट करना 10 में से कि कैसे लगे ये। मुझे पता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन तुम लोग बिना लाइक किए और बिना सब्सक्राइब किए भाग रहे हो यहां से ताकि मेरे को अगली बार ना देख सके। भाई क्यों यार, ऐसा मत करो यार, जाके सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी सिनेमैटिक बना पाए एमसीपी में। जाओ जाके तुम लोग भी अपने वीडियोस के लिए इसी टाइप के सिनेमैटिक बनाओ। मैं मिलूंगा तुम लोग से अनदर धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।